मुझे एक कॉल आया कि हम बैंक से बात कर रहे हैं एंड आपने क्रेडिट कार्ड लिया हुआ है तो उसकी जो है एक्टिवेशन आपने की नहीं है तो वो एक्सपायर होने वाला है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप इसको एक्टिवेट करना चाहते हैं, तो मुझे भी एक्टिवेट करवाना था। देन मैंने कहा यस एक्टिवेट करना है, तो उन्होंने कहा कि हम खुद ही ऑनलाइन कर लेंगे। एक बार फिर से साइबर फ्रॉड का मामला सामने आया है और ये मामला उधमपुर जिला का ही है। हालांकि कई बार हम खबरें दिखाते हैं कि लोगों के साथ साइबर फ्रॉड हो जाता है। जितनी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है लेकिन उसका नुकसान भी हो रहा है। यहाँ पर उधमपुर पुलिस की एक बार दोबारा सराहना करनी पड़ेगी। इस बार जो साइबर फ्रॉड हुआ था वो अमाउंट छोटा नहीं था, 1,70,000 के करीब का अमाउंट था जो पूरा का पूरा जिसके साथ साइबर फ्रॉड हुआ था उन्हें वापस मिल गया है। यहाँ पर स्विफ्ट एक्शन लिया गया, तुरंत पुलिस ने इस पर कार्रवाई की और विद इन आवर्स ये 6 घंटे के अंदर जिनका पैसा साइबर फ्रॉड में चला गया था उन्हें वापस मिल गया है। हमारे साथ रूपाली जी मौजूद हैं, इनके साथ साइबर फ्रॉड हुआ था और ये खुशकिस्मत हैं। हालांकि सब खुशकिस्मत नहीं होते हैं, कई बार हमने देखा है कि साइबर फ्रॉड हो जाता है, लाखों के हिसाब से लोगों के पैसे उनको चूना लग जाता है। लेकिन रूपाली जी यहाँ पर बड़ी खुशकिस्मत हैं कि इनका पैसा इन्हें वापस मिल गया है। यहाँ पर पुलिस की, खासकर उधमपुर पुलिस की तारीफ़ करनी होगी, साथ में SSP उधमपुर डॉक्टर विनोद कुमार की, उनके दिशा निर्देश पर ही ये एक्शन लिया गया और इनके पैसे ने वापस लुटाए गए। रूपाली जी मैं पूरा जानना चाहूँगा क्योंकि लोगों को आज भी परेशानी आ रही है, लोगों के पैसे चले जाते हैं, फ्रॉड हो जाता है, आपके साथ भी होगा, किस तरह से आपका फ्रॉड हुआ पूरा बताइएगा। एक्चुअली सर मैंने एक क्रेडिट कार्ड लिया हुआ था तो मुझे एक कॉल आया, उन्होंने कहा कि आपका नाम रूपाली है। मैंने कहा हाँ जी। उन्होंने कहा हम बैंक से बोल रहे हैं, आपने क्रेडिट कार्ड लिया है तो आपने उसको अभी तक एक्टिवेट नहीं किया है तो ये कल आपका जो है एक्सपायर हो जाएगा। तो 29 की ये बात है तो मुझे लगा एक्सपायर होने वाला था। यस एक्सपायर होने वाला था, 30th को एक्सपायर होता था। तो मैंने कहा हाँ जी मुझे इसको एक्टिवेट करना है। उन्होंने कहा अगर आपको एक्टिवेट करना है तो हम यहीं से कर लेंगे, तो मैं आपके साथ एक लिंक शेयर करता हूँ तो आप उसको लिंक को क्लिक करो तो हम यहीं से कर देंगे। अभी हालांकि मुझे सब कुछ पता है, मैं अवेयर भी थी इस बात को लेके कि इस तरह से नहीं होता है, बट पता नहीं कैसे एब्सेंट माइंडेड से मैंने लिंक पे क्लिक कर दिया। आपके माइंड में यही होगा कि एक्सपायर होने वाला है क्रेडिट कार्ड। यस मेरे माइंड में यही था कि चलो अभी घर बैठ के ही मेरा काम हो जाएगा, कौन मार्केट जाएगा। देन मैंने उस पर लिंक पे क्लिक कर दिया एंड जैसे ही मैंने लिंक पे क्लिक किया तो वो पूरी की पूरी सेम ऐप जो है वो जैसे बैंक की होती है, मतलब मैं भी उसको पहचान नहीं पाई कि ये ऐसी फ्रॉड ऐप है या कुछ ऐसे हो रहा है, क्योंकि लोगो भी वैसे ही, हर एक चीज़ वैसे ही, तो डिटो कॉपी बिल्कुल डिटो थी, मतलब नहीं पहचान पाई मैं उसको। और मैंने उस लिंक पे क्लिक किया, उन्होंने जिस तरह से कहा एक दो चीज़ें मैंने वैसे की एंड सारा का सारा जो है एक, जो है मतलब मेरा फ़ोन जो का जो एसेस है, मेरा फ़ोन का एसेस ही उन लोगों के पास चला गया एंड विद इन आपको रियलाइज़ हो गया कि आपके साथ जो फ्रॉड हो गया। विद इन 5 मिनट जब मैं ऐसे देख रही हूँ तो थोड़ा देखते देखते मेरा फ़ोन जो है वो थोड़ा सा शेक होना शुरू हो गया एंड वो खुद से ऑपरेट होने लगा। तो देखते ही देखते मेरे को लगा मेरा अमाउंट यहाँ से पूरा का पूरा डिडक्ट हो गया। तो उसी वक्त मतलब मैंने बिना टाइम वेस्ट किए हुए तो मैं वहाँ घर से निकल गई अपने हस्बैंड के साथ एंड हम यहाँ पर आए। तो SSP सर ने जो है उसी वक्त तुरंत एक्शन लिया और मेरा वाला जो केस है ये आगे साइबर सेल को उन्होंने ट्रांसफ़र किया और उन्हीं के इस जो उन्होंने जल्दी से जल्दी एक्शन लिया उसी वजह से जो है वो मेरा सारा का सारा जो है अमाउंट जो है वो रिकवर हो गया है। अच्छा जब आपको ये लिंक आया ये तो आपके माइंड में क्या उस समय हुआ जब आपने कहा कि मेरा जो मेरे से फ्रॉड हो गया, तो कितने समय में आप यहाँ पर पहुँची? क्योंकि यहाँ पर दर्शक जो है उन्हें बताना बहुत ज़रूरी है क्योंकि लोग जो हैं 1 या 2 या 4 दिन के बाद संपर्क करते हैं पुलिस के पास और उसके बाद उनका पैसा दोनों मिलता नहीं है। नियर अबाउट 5:30 हो रहे थे जिस वक्त मेरा अमाउंट गया है, तो मैं आधे घंटे के अंदर यहाँ पर पहुँची और मैंने यहाँ पर आके जो है रिपोर्ट किया एंड सर ने मुझे उसी टाइम पे भी ये कहा था कि आपने बहुत जल्दी आप आए हैं तो आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा, आ जाएगा। सो मैं आप सबको यही बताना चाहती हूँ कि अगर किसी के साथ भी जाने अनजाने में ही सही अगर कोई किसी के साथ ऐसा फ्रॉड हो जाता है तो प्लीज़ अपना टाइम वेस्ट ना करें और जल्दी से जल्दी यहाँ पर आइए, SSP ऑफिस में आइए, सर से बात करिए, अपनी रिपोर्ट करवाइए एंड जितना आप डिले करेंगे उतना जो है अमाउंट मिलना मुश्किल हो जाता है, जितना आप जल्दी करोगे उतना ही आपकी रिकवरी हो जाएगी। आपके चेहरे से खुशी दिख रही है कि आपका पैसा वापस, कितने खुश हैं आप? मतलब बहुत खुश हूँ। पहले खुश तो होना ही है आपने, मेरा पूरा का पूरा रिकवर हुआ है तो मुझे तो खुशी है ही है इस बात की। अच्छा, अमाउंट बता दीजिए दर्शक, कितना अमाउंट है? 1,70,000 था मेरा पूरा अमाउंट, जो पूरा का पूरा जो है मेरा वापस आया हुआ है।
बिल्कुल जी, आपकी तरह सब खुशकिस्मत नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पर उधमपुर पुलिस की सराहना करनी होगी। जो साइबर टीम है, खासकर जो SSP उधमपुर हैं डॉक्टर विनोद कुमार, उनकी उनके दिशा निर्देश पर ही ये पैसा जो है आज इनके पास, रूपाली जी के पास पहुंच पाया है। यहाँ पर एक बात बतानी बहुत ज़रूरी है, कई बार हमने भी बताया है कि कभी भी बैंक्स जो होते हैं वो कभी भी कोई लिंक नहीं भेजते हैं, कॉल पर कभी भी क्वायरी नहीं होती है, क्योंकि KYC के लिए कहा जाता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है। बैंक का सिर्फ एक SMS आता है, और वो भी आपको बैंक में जाके अपनी फॉर्मेलिटीज़ KYC पूरी करनी पड़ती हैं, लेकिन फिर भी लोग इसको अनदेखा कर देते हैं, उनके बाद साइबर फ्रॉड हो जाता है। लेकिन यहाँ पर रूपाली जी काफ़ी खुशकिस्मत हैं, इनका 1,70,000 के करीब पैसा जो इन्हें वापस मिल गया है। लेकिन मैं दोबारा कहूँगा कि कृपा करके किसी भी अनजान जो लिंक आपके पास आता है, चाहे WhatsApp के जरिए है, चाहे SMS के जरिए है, उसे क्लिक ना करें, अन्यथा आपके साथ भी साइबर फ्रॉड हो सकता है और आपकी मेहनत की जो कमाई है वो भी आपके हाथों से चली जाएगी।